अगर शाल ने कुछ बोला है आपकी वाइफ को, तो आप मुंह से बात करो, गाली दे के बात करो, आपको जो सही लगता है वो स्टैंड लो, हाथ उठाना। वो खाली विशाल को ही टारगेट करता है, नो वन एल्स, नो वन एल्स, खाली विशाल को। एंड डे वन से उसने विशाल को टारगेट किया है। माय ब्रदर इज नॉट अ बैड गाय, ही इज अ इनोसेंट पर्सन और प्योर हार्टेड है, मैं यही बोलूंगी। वो बहुत साफ दिल का है। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि विशाल के साइड से कोई भी नहीं था दैट टाइम। ही वाज सो लो, ही वाज फुली ब्रोकन, पर किसी का सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट मकबूल, सना मकबूल एंड फर्स्टली निजी। नेहा, वेलकम टू बजुका. लाइक द थिंग्स आर गोइंग जी वेरी हार्ड राइट नाउ. काफी चीजें चल रही है. मुझे वेरी पर्सनली टफ। काफी चीजें अच्छी नहीं लगी. मैं दो एपिसोड्स बहुत अच्छी तरह से देखा. मेरे मेरे कलीग्स ने लोगों के रिएक्शंस लिए. तो फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस करंट मोमेंट, हाउ थिंग्स आर गोइंग? मैंने वीडियोस देखे वेयर फैमिली मेंबर्स आर नॉट हैप्पी. टेल मी योर रिएक्शन अबाउट इट. थिंग्स आर वेरी टफ फॉर अस राइट नाउ, और आई डोंट नो ये कब तक जाएगा ऐसे ही टफ। जब तक बिग बॉस नहीं खत्म होता तब तक वो एक होता है ना द स्केरी पार्ट, कि कल क्या हो जाएगा, क्या होगा आगे। इट्स वी आर सो स्केर्ड कि कुछ हो ना, बिकॉज वी आर सो टायर्ड, बिकॉज यार हमें आदत नहीं है ये सब की, वी आर नॉट यूज टू इट। और बिग बॉस में जो हुआ वो तो पूरा ही गलत था। अगर चलो किसी ने आप बहुत ज्यादा बुरा बोल भी दिया है, यू आर नॉट सपोज टू रेज योर हैंड ऑन एनीवन। आप दैट्स किसी पे ट्रू. हाथ नहीं उठा सकते, किसी तो इसी प्रोज एंड कॉन्स की वजह से तो अंदर लोग जाते हैं ना, कि वरना तो फिर लोग तो बहुत बॉडी वाले आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं जो हाथ ऐसे ही उठा देते हैं। नहीं, अब फर्स्टली मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से पहली बार उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनके फॉलोअर्स पे बातचीत हुई, एंड जिस तरह से उनको टारगेट किया गया है, कटारिया ने पहले कहा एंड अरमान ने काफी बार टारगेट किया. वो चाह रहे थे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां बैकअप हो जाए. तो शुरुआती दिनों से उनके ऊपर टारगेट नहीं किया जा रहा है ड्यू टू ऑडियंस, लाइक ये लोगों का कहना है. कि फर्स्ट थिंग जब वो स्टेज पे आया उसके 9 मिलियन उसने खुद अपने मुंह से नहीं बोला राइट। वो बताया गया 9 मिलियन, ठीक है। सेकेंड थिंग, अरमान जो काफी टाइम टारगेट नहीं, साल को ही टारगेट करते हैं वो ना, वो खाली विशाल को ही टारगेट करता है, नो वन एल्स, नो वन एल्स, खाली विशाल को। एंड डे वन से उसने विशाल को टारगेट किया है। मुझे नहीं पसंद आता तू वो कैसे, मतलब कैसे बात करता है एकदम अकड़ में। अरे क्यों नहीं हो आप जानते हो उसे, आप उसके पापा हो, आप उसकी मम्मी हो, या आप उसके रिश्तेदार हो, या उसके नोन हो, कि वो आपसे एकदम पोलाइटली एकदम बहुत अच्छे से बात करे क्यों। आप उसके दोस्त भी हो वहां पे, तो ये रीजनिंग देके और अपने मन में ग्रज किसी के लिए ले लेना बहुत गलत। कल के उस पे आते हैं. कल शुरुआत में बिग बॉस ने 4 जन को घर कन्फेशन रूम में बुलाया, वो लोग से बातचीत की, फिर डायरेक्टली बिग बॉस ने घर के जो कंटेस्टेंट है उनके हाथ में रखा. एज अ व्यूअर मैंने कई बार देखा है बिग बॉस डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं. तो इस डिसीजन में कई हद तक ऐसे लोगों का कहना है कि बायसनेस दिखाया गया है. अनिल सर ने कुछ नहीं कहा है उस पर. क्या आपको भी सेम लगता है? हाँ. सो मेरा सवाल ये था कि कल एक टास्क हुआ जहाँ पे 4 कंटेस्टेंट आए, बिग बॉस ने उनसे सवाल जवाब किए, क्या ये स्पेशल टास्क होना चाहिए, क्या इसे नॉर्मली वे में डालना चाहिए. फिर बाद में बिग बॉस ने घर को पूछा, कितना बायसनेस लगा आपको? क्योंकि काफी लोगों का कहना है, ट्विटर पे ये चल रहा था कि यार बायसनेस है ये चीज. सो व्हाट्स योर बायस्ड, टेक इट ऑन दैट? वाज फुल बायस्ड था। आई टेल यू वन थिंग, अगर आप आज का लाइव देखोगे या रात को कल टेलीकास्ट होगा, यू कैन सी, जैसे मेरे सामने चल रहा है कि कटारिया के लिए भी घर के ऊपर छोड़ दिया कि बाहर वाला विशाल ने पकड़ लिया था, हिंट दे दिया था, एवरीथिंग। आई डोंट नो, मैं इंटरव्यूज में थी, पर जहां जहां तक पता है तो घर वालों के ऊपर छोड़ दिया था। घर वालों ने वो एक्शन
मतलब अरमान को बाहर निकालने का एक्शन नहीं लिया तब, एग्री नहीं किया, पर कटारिया को खाली वो बाहर वाला था उस पे बाहर निकालने के लिए सबने हाथ ऊपर कर दिया। कैन राइट नेम यू इमेजिन उनका उनकी सोच, मतलब उनको समझ अभी तक क्यों नहीं आया है कि मतलब करेक्ट। रुक जाओ रुक एक जिसने हाथ उठाया। आई थिंक अगर आई थिंक सच बोलूं, अगर विशाल को भी वो टाइम अगर किसी ने आप पे भी अगर हाथ उठाया रहता और आपका हाथ किसी ने आपका भी हाथ उठ जाता जाओ। राइट एट दैट मोमेंट, किसी का भी हाथ उठ जाता और किसी, वो एक्शन पे रिएक्शन है ना। अगर विशाल ने कुछ बोला है आपकी वाइफ को तो आप मुंह से बात करो, गाली दे के बात करो, आपको जो सही लगता है वो स्टैंड लो, हाथ उठाना राइट विच इज कई नॉट हद तक, राइट। कई हद तक ये भी पॉइंट था कि जो उन्होंने कहा कि गिल्टी, मैं देख रहा था गिल्टी को लेके उन्होंने कहा गिल्टी, ये कैमरे में भी कैच हुआ और कटारिया ने भी कहा, कई हद तक वो पॉइंट काफी हाईलाइटेड हुआ। ठीक है, कैमरा पे गिल्टी कैच हुआ राइट इन गुड वे, 3 बार बोला बिल्कुल उसने इन अ गुड वे, 3 बार इन अ गुड बोला, वे। वो कैच नहीं हुआ। राइट ठीक है, अगर वो किसी को बोल रहा है गिल्टी का, अच्छा आप मुझे बताइए गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है कि लाइक किसी चीज पर अफसोस है, या फिर ये चीज पे मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, एक्स वाई जेड एट द करंट पॉइंट किस ठीक तरह से गिल्टी है। है, अगर वो ऐसा सोच रहा है यार कि कैमरे पे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी की वाइफ के लिए सोच रहा हूँ कि वो सुंदर लगती है, विच इज नॉट राइट रॉन्ग। क्या हम कंप्लीटली एग्री। दीपिका के बारे में नहीं सोचते कि वो सुंदर? तो उसने किया अच्छे वे में कि मुझे खराब लग रहा है पर वो सुंदर लगती है। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, इन गुड वे, इन गुड वे। बस राइट वो गिल्टी मतलब, गिल्टी मतलब ये हो गया मैं गिल्टी होगी, मैंने मर्डर कर दिया। अरे यार गिल्टी, आप मुझे बताओ ना सेंटेंस के पहले क्या लगता है उस पे मैटर करता है। राइट मैंने एक वीडियो देखा आज जहाँ मम्मी पापा थे, उनका रिएक्शन क्या है। मैं मुझे पता है काफी लोग, मेरा भाई घर के अंदर है, मम्मी डैडी थोड़े सैड है, मैं जानना चाहूंगा उनका रिएक्शन क्या है। आर दे आर गोइंग टू फाइट फॉर द जस्टिस। भाविन से भी मेरी बात हुई कल, भाविन ने भी, भाविन वॉज ऑल्सो सैड, मैंने फोन पे बात की थी भाविन से, भाविन वॉज ऑल्सो सैड। मुझे पता है विशाल इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, और सबसे बड़ी बात विशाल नाम के लड़के ऐसे नहीं होते, मुझे पता है मेरा भी नाम विशाल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो हाउ इज द रिएक्शन, हाउ इज द फैमिली मेंबर राइट नाउ, दे आर ओके राइट नाउ, दे आर अपने काम? अपने बच्चे के लिए कोई भी कि भले बच्चा बुरा भी होता ना तो भी माँ बाप को कितना बुरा लगता, बट माई ब्रदर इज नॉट अ बैड गाय, ही इज अ इनोसेंट पर्सन और प्योर हार्टेड है, मैं यही बोलूंगी। वो बहुत साफ दिल का है और उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था। और मेरे डैड मॉम आई थिंक मैंने कभी मेरे डैड को रोते हुए इतना नहीं देखा है जितना आज देख, ये टाइम मैंने देख लिया कि राइट हेल्पलेस क्या होता है, हेल्पलेस फील करना क्या होता है, मेरी मॉम को देख लिया है। एंड इट्स वेरी टफ टाइम फॉर अस राइट नाउ। आई नो। मतलब मैं बोल ही नहीं सकती कि ये टाइम हमारे लिए कैसा है, वो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। राइट आई वुड प्रे फॉर यू, स्टे स्ट्रॉन्ग। बट नेहा मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक पल था जहां लग रहा था कटारिया उनके दोस्त थे, उन्होंने तभी सपोर्ट नहीं किया, द वन गाय जो आगे आए सपोर्ट किया नेजी, वो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा। उसके बाद मैं देख रहा था अरमान 2-3 बार नेजी से भी बोल रहे थे, तेरे फैमिली में ये हो जाता, तेरे फैमिली में ये हो जाता। मैं वो देख रहा था, वही कह नेजी ने कहा मेरी फैमिली में होता मैं बाहर मारता, मैं घर के अंदर नहीं मारता। मेरे मेरे रही मैं 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 मेरी फैमिली की बात करता हूँ, मेरे फैमिली में होता मैं बाहर उसको देख लेता बट घर पे नहीं देखता। तो कितना करेक्ट, डिसअपॉइंट था कि कटारिया ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि विशाल के साइड से कोई भी नहीं था दैट टाइम। राइट ही वाज सो लो, ही वाज फुली ब्रोकन, पर किसी का सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट मकबूल, सना मकबूल एंड सना, नीजी। व्हाट अबाउट साई? साई ने, साई ने नहीं एक रोका था, मुझे याद है जब वो इंसिडेंट आप हुआ। अगर अच्छी, आप कोई अच्छी चीज करके ढिंढोरा पीटो उस चीज के लिए,
तो आपकी अच्छी चीज अच्छी नहीं रह जाती ना। आई एम राइट ग्लैड कि साइन उसको पकड़ा, एंड विशाल इज ऑल्सो, बट वो पकड़ा उसने अच्छा, एक अपना अच्छा टेक्सचर दिखाया सबको। और वो है, साई इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड मैन जो भी, बट फिर उसका वही नेचर आ जाता है ना, फिर वो कुछ करता है। अगर घर में वो सिर्फ कुछ भी एक पेनी, अगर वो कुछ भी करता है, वो घर पे जाके अरमान को बताएगा टू कम इन अ गुड बॉक्स। राइट अगर आप कर रहे हो तो बाहर दिख रहा है, अगर आप बुरा कर रहे हो बाहर दिख रहा है। और कटारिया, आई थिंक कटारिया एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकता था। आई मीन अगर विशाल होता, आई डोंट नो विशाल, तो आई एम टेलिंग कटारिया यू ऐसा नहीं लगता ही है, कैन। जैसा लोगों ने भी काफी कुछ कहा है कि कटारिया सिर्फ दोस्ती है, नॉट द रियल फ्रेंडशिप, एक फेस है वो, फ्रेंडशिप वाला एक मुखुटा रहता है ना वैसा है। डू यू फील सच काइंड ऑफ बहुत थिंग्स? एक Do you feel the same? फेस है कि, एक सी आई आई टेल यू, एक फेस है कि नहीं आई डोंट नो सीरियसली। मैं Right. इन पर्सन तो उसको जानती नहीं हूँ, मैं जितना देख रही हूँ उतना ही जानती हूँ। जैसे कि वो पीछे भी विशाल का सपोर्ट नहीं करता है, एंड नहीं करता, कोई विशाल के नहीं बारे में करता बात कर रहा है तो होता है ना कि अपने फ्रेंड को एक डिफेंड करना, भले वो गलत है पर वो तुम्हारा फ्रेंड है, यू हैव टू डिफेंड हिम और हर। राइट राइट सो और मेरे को व्हाट्स लगता योर है वो फैमिली कोई मेंबर्स आर डिपेंड टेकिंग दिस करे ना केयर? करे, कोई कुछ करे ना करे, पर विशाल फुल्ली सपोर्ट करता है कटारिया को। आई नो दैट, आई डोंट नो व्हाई, पर उसने जब वो दोस्ती ठान लेता है ना, वो दोस्ती निभा लेता है। वन लास्ट, एक बस आखिरी सवाल मेरा, अब क्या है, व्हाट्स योर फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट अरमान मलिक एंड उनकी जितनी भी चीजें हैं जो भी है? वी विल टेक एक्शन। राइट और ऐसा नहीं है कि यार कि इतना हो गया, और अगर अरमान को भी अंदर अंदर लगा था उसको कि विशाल ने बुरा बोला, तो वो बाहर आके एक्शन ले लेता, राइट हम ओके। पर अंदर ये करना नॉट राइट। सो वो तो हमारा मतलब, सी इट्स ऑन डैडी, एंड और भी लोग हैं हमारे लाइफ में जो ये सब डिसीजन ले सकते हैं, तो आई डोंट नो, मतलब लेना तो है हमें ऑब्वियसली, राइट थैंक यू बट नेहा। थैंक यू। यू आर टेलिंग समथिंग, सॉरी टू कट यू। दैट्स इट, मतलब गलत तो हो ही गया। यस यस थैंक यू सो मच नेहा, थैंक्स फॉर टॉकिंग। आई होप मैं आपके डैड के लिए, आपके भाई के लिए प्रे करता हूँ, जो भी गलत है सच्चाई बाहर आनी चाहिए ऐसा लगता है। थैंक यू आई सो होप मच फॉर सो। टॉकिंग, थैंक थैंक यू। यू।